प्रॉब्लम सॉल्विंग 101। दोस्तों, इस किताब की थीम है अ सिंपल बुक फॉर स्मार्ट पीपल। यह बुक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटी और तेज गाइड है। दोस्तों, मूल रूप से इसे बच्चों को बेहतर तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करने के लिए लिखा गया है, पर यह किसी की भी मदद कर सकती है। इस किताब से इश्यूज को सॉल्व करने के आपके पोटेंशियल में सुधार हो सकता है, चाहे वह इश्यूज कितने ही बड़े या छोटे क्यों ना हो। इस किताब के ऑथर हैं केन वतानबे, जो एक जापानीज ऑथर हैं। वो मैकिन्जी एंड कंपनी में कंसल्टेंट रह चुके हैं और अभी टोक्यो में अपनी एडुकेशन मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी डेल्टा स्टूडियोज को लीड कर रहे हैं। आइए दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग 101 की डिटेल समरी सुनते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टर बने, चाहे आप बिजनेस में सफल होना चाहते हो या कुछ बेहतर सीखना चाहते हो। यह तब थोड़ा निराशाजनक हो सकता है जब आप जानते हो कि आप जो चाहते हैं वो बाधाओं से भरा हुआ है, जिससे आपका लक्ष्य असंभव लग रहा है। ये समरी आपको फिर कभी इस तरह से निराशाजनक फील कराने से रोकती है। दोस्तों, यह बुक मूल रूप से जापानीज स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई है। एक सरल सलाह के आधार पर इस किताब को लिखा गया है। इस किताब में दी गई एडवाइस की मदद से कोई भी सफलता के रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। 4 सरल और आसानी से फॉलो किए जाने वाले स्टेप्स वाली इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की किताब को जानने के लिए आप इस समरी को सुने। दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग 101 आपकी प्रॉब्लम को जड़ तक ब्रेक करने से शुरू होती है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हम हर दिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे इंग्लिश की क्लास में ग्रामर की कठिनाइयां या कलीग या दोस्तों के साथ तनाव भरा रिलेशनशिप। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस स्केल पर प्रॉब्लम का सामना करते हैं, हम सभी को उन्हें सॉल्व करने के लिए अच्छी तरीके से तैयार रहना चाहिए। यही वह पॉइंट है जहां 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं। वे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, पहला कदम यह पहचानना होता है कि आपकी समस्या वास्तव में क्या है। हाँ दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम रियलिटी में आखिर है क्या। ऐसा करने के लिए आपको प्रॉब्लम को समझकर उसे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना होगा। उदाहरण के लिए आइए कल्पना कीजिए कि आप गणित में अपने खराब ग्रेड के कारण संघर्ष कर रहे हैं। पहली नजर में समस्या बड़ी और लगभग असंभव लग सकती है, लेकिन आप सोचते हैं कि स्टडी करके और इसकी प्रैक्टिस को अधिक समय देकर आपको अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना बंद करना होगा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और अधिक समय देना है तो। लेकिन इससे पहले कि आप अपने दोस्तों को यह बताने के लिए फोन करें कि आप टीम से बाहर हो रहे हैं, यानी उनके साथ आप फुटबॉल नहीं खेलेंगे, क्यों ना आप किसी अन्य तरीके से प्रॉब्लम के बारे में सोचें। दोस्तों, आपको खुद से पूछना चाहिए कि कौन सी कैटेगरीज आपको परेशान कर रही है। क्या यह ज्योमेट्री, एलजेब्रा या फ्रैक्शन है? यदि केवल ज्योमेट्री के कारण आपके पूरे नंबर कम हो रहे हैं तो आपको केवल ज्योमेट्री की पढ़ाई पर ध्यान लगाना होगा। लेकिन स्टडी शुरू करने से पहले अपनी समस्या को और भी आगे तक ब्रेक जरूर करें। दोस्तों, हाँ, उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक जरूर करें। ज्योमेट्री पर एक नजर डालते हैं और इस सब्जेक्ट में आने वाली अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या यह सिलेंडर वॉल्यूम या ट्रेपेजॉइड एरियाज को मापना रहा है, या यह पाइथागोरियस थ्योरम के बारे में है? एक बार जब आप अपने वीक स्पॉट्स को पहचान लेते हैं तो आप इस पर अपना फोकस करके प्रॉब्लम को और अधिक इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, और आपके पास शायद अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का समय भी होगा फिर। तो अब आप जानते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहां है, हालांकि आपने इसे अभी तक सॉल्व नहीं किया है। इसके बाद जरूर चेक करना होगा आपको कि वास्तव में आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है, उसका मूल रीजन क्या है। दोस्तों, अपनी समस्या का कारण ढूंढने के लिए संभावित कारणों को समझें, सारे पॉसिबल रीजंस को समझें और अपने विचारों का टेस्ट करें। हाँ दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आइडियाज को टेस्ट करें। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। तो अब जब आप अपनी रियल प्रॉब्लम को खोजने के लिए तैयार हो गए हैं, तो आपको यह समझना होगा कि यह एक प्रॉब्लम क्यों आई है आपकी जिंदगी में। दूसरे शब्दों में, इसका कारण क्या रहा है, यह प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का दूसरा स्टेप है। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एप्पल्स और ऑरेंजेस नाम से बच्चों का एक बैंड ग्रुप है। वे अपने स्कूल में मंथली म्यूजिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। तो बैंड के मेंबर्स को सभी संभावित कारणों की एक लिस्ट बनानी होगी। शायद लोगों ने म्यूजिक प्रोग्राम के बारे में नहीं सुना है, शायद उन्हें पॉप म्यूजिक पसंद नहीं है, लेकिन यह केवल सपोज किया गया है, यह इंश्योर करने के लिए कि क्या आपकी सोच वास्तव में
आपकी प्रॉब्लम का मूल कारण है। आपको इसका टेस्ट करने की बहुत जरूरत है दोस्तों। टेस्ट का एक महान तरीका है कि आप यस नो ट्री नाम के टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ हाँ या नहीं जवाब वाले सवालों से आपकी प्रॉब्लम हल हो सकती है। यह आपकी इमेजिनेशन को क्लियर करने में बहुत मदद करता है दोस्तों। एप्पल एंड ऑरेंजेस बैंड ने पॉसिबल रीजंस को लिस्ट करने के बाद अपने यस नो ट्री मेथड को यूज किया। पहला हाँ नहीं सवाल यह है कि क्या लोगों को म्यूजिक प्रोग्राम के बारे में पता है। अगर जवाब नहीं है तो बैंड कम अटेंडेंस का मेन रीजन अवेयरनेस की कमी बता सकता है। अगर जवाब हाँ है तो ट्री अधिक ब्रांचेस की ओर बढ़ेगा और बैंड को किसी अन्य हाँ या ना सवाल का जवाब देना होता है। जैसे जो लोग इस म्यूजिक प्रोग्राम के बारे में जानते थे उन्होंने इसको अटेंड क्यों नहीं किया, और अगर किया तो क्यों किया। यदि नहीं तो शायद वे पॉप संगीत के फैन नहीं है। यदि इसका उत्तर भी नहीं है तो यही कारण हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर वे फैन हैं तो हमें थोड़ा और गहरा जाना होगा। शायद आप पूछें कि लोग दूसरे प्रोग्राम की तुलना में पहले संगीत में ज्यादा नंबर्स में क्यों नहीं आए, और अगर आए तो क्यों आए। तो जब तक आपके पास अपनी सोच को सपोर्ट करने के लिए सही जवाब ना हो तब तक हाँ नहीं वाले सवाल पूछें। फिर आपके पास मेन रीजन होगा दोस्तों। अगले स्टेप के लिए तैयार रहें, उस कारण का एनालिसिस करें ताकि आप एक एक्शन प्लान तो बना सकें। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को चूज करें, विचारों को समझें और सावधानी पूर्वक एनालिसिस करें। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। तो आपने स्टेप 2 को पूरा कर लिया है और आपने प्रॉब्लम को ढूंढ लिया है। अगला स्टेप एनालिसिस करना है जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन जनरेट करने में मदद करेगा। तो खुद से पूछें दोस्तों कि सिचुएशन का एनालिसिस करने के लिए मुझे किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। एप्पल्स और ऑरेंजेस के बैंड का एग्जाम्पल वापस ले लीजिए। बैंड के सर्वे को शेयर किया गया और स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया। उनके द्वारा कलेक्ट की गई जानकारी से उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अवेयरनेस बढ़ाने और लोगों को उनके म्यूजिक प्रोग्राम में आने के लिए लुभाने की जरूरत है। तो एप्पल एंड ऑरेंजेस के छात्रों ने न्यूज़पेपर और ईमेल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट को लिस्ट किया। उन्होंने क्लासेस में रेडियो पर विज्ञापन रखना भी माना। इन सभी पोटेंशियल समाधानों को एक टेबल पर लिखा और सबके सामने रखा। बैंड ने दो कॉलम बनाए, एक हकदार यानी अवेयरनेस बढ़ाता है और दूसरा लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मिलाता है। और फिर उन्होंने इस बेसिस पर हर सॉल्यूशन को एक कॉलम या दूसरे के नीचे अरेंज किया कि वो कैसे और कहां इफेक्टिव थे। कई संभावित सॉल्यूशंस के साथ आपको प्रायोरिटी देने और डिसाइड करने की जरूरत है कि आपके एक्शन प्लान में किस सॉल्यूशन को शामिल किया जाएगा। एप्पल एंड ऑरेंजेस उन सॉल्यूशंस को प्रायोरिटी देना चाहते थे जो इफेक्टिव और इंप्लीमेंट करने में आसान थे। क्लासेस में परफॉर्म करने का विचार कीजिए। उन्हें पता था कि इसका एक बड़ा प्रभाव होगा, लेकिन इसे हर बार एस्टैब्लिश करने और फिर टूल को तोड़ने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत होगी, क्योंकि छात्रों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट स्कूल रेडियो सुनता है। इसलिए अगर रेडियो स्टेशन उनके संगीत कार्यक्रमों की घोषणा करे और उनके संगीत को प्रीव्यू करे तो यह अप्लाई करने में भी आसान होगा और इसका एक बड़ा प्रभाव होगा। इसलिए उन्होंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठोस कदमों वाले अपने एक्शन प्लान में रेडियो की घोषणाएं करने का डिसीजन लिया। तो दोस्तों अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को जानते हैं तो देखते हैं कि उन्हें डेली लाइफ की सिचुएशन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। फिर हम एक्शन प्लान में वापस आ जाएंगे और अगले स्टेप के बारे में जानेंगे। बड़े सपनों को साकार करने के लिए छोटे लक्ष्य को निर्धारित करें ताकि आप चेक कर पाएं कि बड़े गोल कैसे हासिल किए जा सकते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। हम में से कई लोग अक्सर बड़े सपने देखना पसंद करते हैं दोस्तों। हम में से कुछ लोग प्रोफेशनल फिगर स्केटर्स या प्रसिद्ध कलाकार बनने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये सपने इतने बड़े और असंभव प्रतीत होते हैं, इसलिए हम उन पर कभी काम ही नहीं करते हैं और वे सपने हमेशा के लिए सपने ही रह जाते हैं। क्यों होता है ना ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ। यदि आप सफलतापूर्वक एक बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपको इसे छोटे लक्ष्यों में तोड़ने की जरूरत है दोस्तों। इंश्योर करिए कि आपका गोल क्लियर है और एक बार में उसका एक पार्ट पर आप काम करेंगे। उदाहरण के लिए एरिक स्क्यूलर बड़े बजट की एनिमेटेड फिल्मों का निर्देशक बनना चाहते थे, लेकिन कंप्यूटर एनिमेशन में उनके पास कोई स्किल नहीं है, उसके पास कंप्यूटर भी नहीं है। इसलिए उसका पहला गोल एक कंप्यूटर को लेना है। विशेष रूप से वह एक यूज्ड एप्पल कंप्यूटर को लेना चाहते हैं जो $600 का है, और वह इसे अगले 6 महीनों के भीतर बिना लोन के खरीदना चाहते हैं। एरिक का गोल छोटा, क्लियर और स्पेसिफिक है और उसके लिए एग्जीक्यूट करना आसान। वो बनाते हैं इसको। एरिक की तरह आपको भी छोटे, स्पष्ट और विशिष्ट गोल्स को सेट करने की जरूरत है दोस्तों। आपका अगला काम यह है कि आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन
और उस गोल के बीच के डिफरेंसेस के साइज पर विचार करें जिसे आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एरिक स्क्यूरल जानता था कि वह आधे साल के भीतर यानी 6 मंथ्स के अंदर $600 के कंप्यूटर को पाना चाहता था, लेकिन उसकी सेविंग और पोटेंशियल इनकम की कैलकुलेशन करके उसने पाया कि उस समय तक उसके पास केवल $352 ही होंगे यानी $352। उनकी प्रेजेंट सिचुएशन और गोल के बीच का अंतर $248 था, तो एरिक उस अंतर को कैसे दूर कर सकता है, आइए पता लगाते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी संभावित सॉल्यूशन की लिस्ट बनाएं और बेस्ट को एक हाइपोथेसिस में बदल दें। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। जब आप अपने मोजे में एक छेद देखते हैं तो आप क्या करते हैं दोस्तों, आप उसे सिलते हैं। इसी प्रकार आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन और अपने गोल के बीच के अंतर को क्लोज करने के तरीके बनाने ही चाहिए। आप बेस्ट ऑप्शन चुनने से पहले सभी पोटेंशियल सॉल्यूशन की लिस्ट बनाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसे एक पोटेंशियल सॉल्यूशन माना गया है। एरिक स्क्विरल के केस में वह विचारों के भार को समझना शुरू कर देता है, जैसे कि कैश बचाना, अपने मालिक से सैलरी बढ़ाने की बात करना और लॉटरी खेलना। फिर सबसे अच्छा विचार चुनने के लिए वह एक लॉजिक ट्री बनाता है जो एप्पल एंड ऑरेंजेस के द्वारा उपयोग किए जाने वाला हाँ या ना के ट्री जैसा है, जो यह पता लगाने के लिए था कि कोई भी उनके शो में क्यों नहीं आ रहा था। तो एरिक ने अपने मेन गोल के लिए यानी 6 महीनों के भीतर $600 के एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर को खरीदने के लिए एरिक अपने खुद के पैसों का उपयोग करता है। वह 2 लाइंस खींचता है, एक अपने पर्सनल खर्च को लिमिट करने के बारे में और दूसरा अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में। वह उन 2 ब्रांचेस को नई अधिक विशिष्ट शाखाओं तक फैलाता है, यानी ब्रांचेस तक उसको स्प्रेड आउट करता है। तो अपने खर्चे को कम करने वाली ब्रांच के लिए वह नई ब्रांचेस खींचता है जो उसे एडवाइस देती है कि वह कैसे पैसे बचा सकता है। एक सुझाव अपनी गेम्स और सीडी जैसी एंटरटेनिंग परचेजेस को रोकने की थी। जब ट्री पूरा हो जाता है तो एरिक उन ब्रांचेस को हटा देता है जो ना तो पाने योग्य है और ना ही विशेष रूप से इफेक्टिव होती है, जैसे लॉटरी जीतना और इन्वेस्ट करना। तो अंत में अच्छे और एग्जीक्यूट किए जा सकने वाले विचार बचते हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। इनसे वह अपनी परिकल्पना बनाएगा दोस्तों, वह बेहतर पेमेंट वाली नौकरी प्राप्त करके कंप्यूटर खरीदने के अपने गोल तक पहुंच सकता है। वह अपनी कुछ DVD बेच सकता है और कोई और गेम या CD नहीं खरीदने से खुद को रोक सकता है। तो अब एरिक स्क्यूरल को अपने हाइपोथेसिस के सॉल्यूशन को टेस्ट करना चाहिए। अगला स्टेप यानी स्टेप नंबर 4 एक वर्क प्लान बनाना था दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। एक बार जब आपके पास सॉल्यूशन हाइपोथेसिस हो जाने के बाद आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं और एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। तो आपने अपनी प्रॉब्लम को कम कर दिया है, आप मेन रीजन को जानते हैं और आपने इसे सॉल्व करने के लिए एक हाइपोथेसिस बना लिया है। आप एक्शन लेने के लिए काफी तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझने के लिए अपनी सोच का एनालिसिस करने की जरूरत है ताकि समझ सके कि इसको वास्तव में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एनालिसिस शुरू कर दे। एरिक स्क्यूरल के केस में वह गेम और CD की परचेजेस रिसीट को कलेक्ट करके शुरू होता है। यह जॉब ऑफर्स के बारे में दोस्तों तक पहुंचना है और यूज्ड DVDs के लिए सेल वैल्यू का रिसर्च करना है। तो जानकारी इकट्ठा करने के बाद आप इसका एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं। अपने खर्चों को कैलकुलेट करने के लिए एरिक पिछले कुछ महीनों की अपनी परचेजेस रिसीट पर नजर डालता है और रिजल्ट निकालता है। और उसने एक वीडियो गेम पर $10 खर्च किए, कॉमिक बुक पर $3, कैंडी पर $1, इस तरीके के उसने खर्च किए। उसके बाद उन्होंने विभिन्न वस्तुओं यानी डिफरेंट आर्टिकल्स को खरीदने की कॉस्ट की, अपनी प्रायोरिटीज को मापा, उसको मेजर किया दोस्तों। एरिक को मीठा खाने का शौक है और क्योंकि वह केवल कैंडी पर $1 खर्च करता है, इसलिए यह फैसला करता है कि वह इस पे कटौती नहीं करेगा, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए CD खरीदना बंद कर सकता है। इसका फैसला वो ले सकता है क्योंकि वह CDs पर काफी पैसा खर्च कर देता है। वह एक और नौकरी से सैलरी का एनालिसिस करता है कि वह कितनी DVD को बेचकर पैसा कमा सकता है। उसके बाद वह रिजल्ट निकाल सकता है ताकि इस्तेमाल किए गए एप्पल कंप्यूटर को खरीदने के लिए अपने गोल तक पहुंचना उसके लिए संभव हो। तो एनालिसिस के साथ अंततः चौथा स्टेप एग्जीक्यूशन का होता है। याद रखें, यदि आप इसे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो एक प्लान बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं होता है। तो इसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना इंश्योर करें दोस्तों, और रास्ते में एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहें। कल्पना कीजिए कि एरिक अपनी DVD नहीं बेच सका, खैर उसे बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में अपनी नई नॉलेज को अप्लाई करना होगा। वह अपने पड़ोसी के कुत्ते को घुमाने ले जा सकता है और इस तरह से अतिरिक्त पैसे कमा सकता है, अगर पड़ोसी देना चाहे तो।
तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए दोस्तों। यदि आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आप फेस कर रहे हैं, तो अपने प्लान को मॉडिफाई करें और इसे तब तक एग्जीक्यूट करें जब तक आप अपने सेट किए गए रिजल्ट को पाना ले और प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर ले। दोस्तों हर किसी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ज्योमेट्री सम जैसी छोटी प्रॉब्लम से लेके लाइफ लॉन्ग ड्रीम को पूरा करने जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स तक, सौभाग्य से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केवल 4 स्टेप्स उठाने होते हैं। प्रॉब्लम को ब्रेक करें, प्रॉब्लम का कारण जानें, कारण का एनालिसिस करें और आखिर में एक एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने जानकारों के बीच इसे अवश्य शेयर करें और हमारे उड़ान एनजीओ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम इन समरीज के साथ एक्शन टिप्स भी अपनी ऐप पे जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं। वो एक्शंस आपको क्लियरली बताएंगे कि इन बुक्स को अपनी लाइफ में कैसे आप लगाएं और स्टेप बाय स्टेप अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप की जाए। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन किताबों को खरीद भी सकते हैं। दोस्तों हमारी टीम चाहती है कि आप लोग चैंपियन बने, इसी मिशन के साथ आपके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। पर ये ध्यान रखिए कि केवल शब्दों से मोटिवेट होकर ही आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों, बल्कि हमें अपनी लर्निंग्स को एक्शन में डालना आना चाहिए। इसलिए हम आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से भरी कई सारी वर्कशॉप्स लगातार पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इन वर्कशॉप्स में आप मेरे थ्रू यानी आदि गुरुदास के थ्रू आप पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, करियर काउंसलिंग, इंटरनेशनल कोचिंग टेक्निक्स और लीडरशिप जैसे कई लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स को सीखकर अपने गोल्स को और तेजी से हासिल कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी पाने के लिए, हमारी वर्कशॉप के बारे में और जानने के लिए हमें आज ही 9829644744 या 9024101644 पर कॉल करें। धन्यवाद।